ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक सेकेंड, लाइव हो गया अभी? ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? बोलो। चलिए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? दिस विल बी आर थर्ड क्लास ऑन इंट्रोडक्टरी सेशन। तो लास्ट क्लास में क्या कुछ पढ़ना स्टार्ट किए थे क्या? कंपनीज एक्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे। ओके, तो कंपनीज एक्ट में क्या कुछ डिस्कशन किया था लास्ट लेक्चर में? गुड मॉर्निंग सुदर्शन। हाँ, तो कंपनीज एक्ट में बताइए क्या कुछ डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, बोलो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी देन। हाँ, मैंने बताया था कंपनीज एक्ट 2013 में अपन को पढ़ना क्या है। तो भाई, कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट रिलेटेड टू, या एक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ कंपनी, है ना? अब या एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ कंपनी। तो जब मैंने बोला एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग द कंडक्ट, तो रेगुलेटिंग द कंडक्ट में तीन एस्पेक्ट कवर हो रहा था। पहला इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेकेंड वन इज मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, एंड थर्ड वन इज डिसॉल्यूशन ऑफ कंपनी। तो जब मैंने आप लोगों को डिसॉल्यूशन बताया था, तो वहाँ पे मैंने आपके साथ एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट वाज रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। देर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अप एंड डिसॉल्यूशन। वहां पे मैंने आपको बताया था वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस ऑफ एंडिंग द लाइफ ऑफ कंपनी, और उस प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट रहता है वो क्या रहता है? डिसॉल्यूशन। वाइंडिंग अप प्रोसेस के दौरान कंपनी का एग्जिस्टेंस इंटैक्ट रहता है, इस दुनिया में रहती है तब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। वेरी गुड सुदर्शन। और डिसॉल्यूशन के टाइम पे कंपनी लूजेज इट्स, डिसोल्यूशन के टाइम पे कंपनी लूजेज इट्स एग्जिस्टेंस, है ना? और कुछ किए थे अपन? स्ट्रक्चर पढ़ा था अपन ने कंपनीज एक्ट का। ओके, तो स्ट्रक्चर में मैंने तुम लोगों को बताया था दैट द एंटायर एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस, देन 7 स्केड्यूल्स एंड 95 डेफिनेशंस। ठीक है, पूरा का पूरा एक्ट जो है हमारा 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, 470 सेक्शन है इसके अंदर, 7 शेड्यूल है और 95 डेफिनेशन है। इसके अलावा कुछ और किए थे क्या? सेक्शन वन अपन ने किया था। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक्ट का जो सेक्शन नंबर वन रहता है वो क्या क्या करता है? डिफाइन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल विल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द एक्ट, नेम ऑफ द एक्ट इज द कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट का मतलब है यहाँ पे एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। वेरी गुड सुदर्शन। एंड एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी हो गया। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट इज 1st of September 2013, 1st of September 2013। तो एक चीज तुम लोगों के दिमाग में आना चाहिए, क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जो आया नहीं। देखिए, मैंने डेट ऑफ कमेंसमेंट बताया था क्या? 1st September 2013। ठीक है, इट मींस मुझे याद है मैंने अपना एग्जाम पास किया था ना, जब उस टाइम पे कंपनीज एक्ट 1956 वाज एप्लीकेबल। आई क्लियर माय एग्जाम इन जून 2023, 2013 सॉरी। तो 31st of August 2013 तक बताओ कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? 31 अगस्त 2013 को जब मैंने क्लास लिया होगा तो कौन सा एक्ट पढ़ाया होगा? कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ाया रहेगा। बच्चों ने कौन सा एक्ट पढ़ा रहेगा? कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ा रहेगा। ठीक है, मैं पढ़ा के गया, बच्चे पढ़ के गए, पढ़ के सोए, सुबह उठे, कौन सा एक्ट आ गया? कंपनीज एक्ट 2013।
तो तुम्हें नहीं लगता कि एकदम से क्या हो रहा है, सारे जज्बात बदल रहे? यस और नो? यस और नो? अभी कल तक जो स्टूडेंट कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ रहा था, कल तक जो कंपनीज एक्ट 1956 का कंप्लाइंसेस कर रही थी, कल तक जो प्रोफेशनल्स लाइक सीए सीए सीएमए जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ में, वो लोग किसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर रहे थे? कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। एंड ओवरनाइट क्या आ गया? कंपनीज एक्ट 2013। तुम्हें नहीं लगता इट विल क्रिएट ग्रेट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर द कॉर्पोरेट्स, फॉर द प्रोफेशनल्स, फॉर द कंपनी, फॉर द प्रोफेशनल्स, फॉर द स्टूडेंट्स एंड इवन फॉर द रेगुलेटर्स? हाँ या ना? तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई नया एक्ट किसी एग्जिस्टिंग एक्ट को रिप्लेस करता है, जब भी कोई नया एक्ट क्या करे, किसी एग्जिस्टिंग एक्ट को रिप्लेस करे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100% रिप्लेसमेंट हो गया एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। समझ रहे हो? अब तुम ऐसा भी सोच के देखो ना कि यार फाइनेंशियल ईयर 2013 का स्टार्ट हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2013 से, तो 1 अप्रैल 2013 से 31 अगस्त 2013 तक जो कंप्लाइंसेस किए होंगे वो किसके हिसाब से किए रहेंगे? कंपनी तक 1956 के हिसाब से किए रहेंगे। एंड ऑल ऑफ सडन 1 सितंबर से क्या लगा? कंपनी एक्ट 2013। तो जब सारे एक्ट पूरा का पूरा एक्ट अगर एप्लीकेबल कर दे, सिचुएशन विल बिकम टफ। टफ नहीं बोलता, सिचुएशन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली फॉर दी कंपनीज, कॉर्पोरेट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स भी, और इवन फॉर दी टीचर्स लाइक अस। हाँ ये ना? हाँ सर। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया था ना, तो इसको पार्टली बेसिस पे नोटिफाई किया गया था। इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? 470। तुम्हें मालूम है 1 सितंबर को सिर्फ सेक्शन नंबर 1 वाज नोटिफाइड, ओनली सेक्शन नंबर 1 वाज एप्लीकेबल ऑन 1 सितंबर 2013। देन एक लिस्ट ऑफ 99 सेक्शंस को एप्लीकेबल किया था 12 सितंबर से, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे फेज मैनर में पूरे एक्ट को लाया गया। तो पूरे एक्ट को इफेक्ट में लाते लाते जून 2016 आ गया। ऐसा क्यों कर रहे? सो एज टू इंश्योर कि इस एक्ट को अडॉप्ट करने का, इस एक्ट को अडॉप्ट करने का या इस एक्ट के प्रोविजंस से अडेप्टिबिलिटी बढ़ाने का सफिशियंट टाइम दिया जा सके कंपनीज को, प्रोफेशनल्स को, रेगुलेटर्स को, इवन स्टूडेंट्स को और टीचर्स को। आए ना? यस सर। सो दिस वाज द स्टोरी। कभी भी कोई नया एक्ट किसी एग्जिस्टिंग एक्ट को रिप्लेस करता है ना, तो सारे का सारे प्रोविजंस एकदम से रिप्लेस नहीं करते, रिपीलमेंट एंड रिप्लेसमेंट होता है इन अ फेज्ड मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरी बात समझ में आ रही क्या? हो सकता है कि फ्यूचर में तुम कोई दूसरा कंपनीज एक्ट पढ़ो, कल को तुम सीए बन जाओगे, आज से 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल बाद मान लो कि कोई नया एक्ट आया, मान लो कि आया कंपनीज एक्ट 2040। कौन सा? कंपनीज एक्ट 2040। तो कंपनीज एक्ट 2040 कभी भी आएगा तो वो एकदम से ओवरनाइट पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट 2013 को रिपील नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? रिप्लेस रिपीलमेंट या रिप्लेसमेंट जो होता है वो होगा इन अ फेज्ड मैनर, सफिशियंट टाइम पीरियड विल बी गिवन टू द कॉर्पोरेट्स। इज इट क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। सेक्शन 1 हम लोगों ने कर लिया था, सेक्शन 2 पे आओ। बिल्कुल। चलिए कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 2। ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन। सेक्शन नंबर 2 का जो डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। मुझे एक बात बताओ, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं, चलो उस पे जाने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ।
देखिए सेक्शन टू मोस्टली कवर करता है क्या, डेफिनेशंस। सेक्शन टू क्या कवर करता है, डेफिनेशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो लॉ की क्लास हो रही है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना तुमको लॉ, तो मेरा मेरा मेन काम क्या है यहाँ पे? है सर, आपको ही नहीं पता कि आपका मेन काम क्या है और आप पढ़ा रहे हैं। मेन काम क्या है एज अ लॉ टीचर? लॉ टीचर का मेन काम क्या है? तुम एक बच्चे ने बोला कि एग्जिस्टिंग लॉ के बारे में अवेयर करना, ठीक है ओके। कोई और स्टूडेंट? एज अ लॉ टीचर व्हाट शुड बी माय मेन ऑब्जेक्टिव? व्हाट शुड बी माय मेन ऑब्जेक्टिव एज अ लॉ टीचर? आपको ही नहीं पता सर, हमें कैसे बताओगे? क्या मैं कोई भी चीज अपने मन से बता रहा हूँ? हाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुमको, तुम सोच के देखो ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप लॉ पढ़ा रहे हो, मैं लॉ के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, लॉ के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूँ। इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन, ऑल अबाउट दी इंटरप्रिटेशन इन दी वर्ल्ड ऑफ लॉ। तुम लोगों ने देखा होगा, सुना होगा या नहीं सुना होगा, ऐसे एडवोकेट्स भी देखे रहेंगे, ऐसे प्रोफेशनल भी देखे रहेंगे जो आधे घंटे की कंसल्टेंसी के 200 रुपये लेते हैं, और ऐसे प्रोफेशनल्स भी देखे होंगे स्पेशली लॉयर्स जो आधे घंटे की कंसल्टेंसी के 1 लाख रुपये लेते हैं, या 1 घंटे कंसल्टेंसी के 2 लाख रुपए लेते हैं, किसी क्लाइंट के बिहाफ पे कोर्ट में अपेयर होने के लिए 5 लाख रुपए लेते हैं, एक ट्रायल का 10 लाख रुपए लेते हैं, है दोनों प्रोफेशनल, ठीक है। दो एडवोकेट है, एक ले रहा है 2,000 रुपए अपेयर होने के लिए और दूसरा ले रहा है 5 लाख रुपए, दोनों में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। एक सवाल एक बच्चे ने बोला वो ज्यादा अमीर होगा। अच्छा अमीर होगा क्या? ठीक है ठीक। व्हाट वुड बी द डिफरेंस? डिफरेंस है उनका इंटरप्रिटेशन स्किल्स। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? उन दोनों का इंटरप्रिटेशन स्किल्स। तो ये जो प्रोफेशन है ना लॉ का, इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन स्किल्स। आपको फाउंडेशन में मैं पढ़ा रहा हूँ, इंटर में मैं पढ़ाऊंगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं इंटरप्रेट करना सिखाऊंगा कि लॉ पढ़ना कैसे। मैं कोई नई चीज नहीं बताऊंगा, या हो सकता है कि जो चीजें मैं भी बता रहा हूँ किसी और टीचर की क्लास में करोगे तो वो टीचर भी वही सेम चीज बताएगा। कोई भी जो लॉ टीचर है उसका मेन पर्पस क्या है? लॉ पढ़ना कैसे है वो सिखाना। क्योंकि तुम सोच के देखो ना, अगर तुम्हें लॉ पढ़ना आ गया, आज कंपनीज एक्ट 2013 है, जरूरी थोड़ी ना कि 25 साल बाद भी कंपनीज एक्ट 2013 ही रहे। हाँ या ना, आज जो एक्ट प्रिवेल कर रहे हैं, जरूरी नहीं ना कि 25 साल के बाद भी वो एक्ट प्रिवेल करे। 25 साल के बाद यू ऑल विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, फिर जाकर के क्लास थोड़ी ना लोगे। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, आपके अंदर वो कैपेसिटी होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए क्या? इंटरप्रिटेशन सीखने, इंटरप्रिटेशन करने का, इंटरप्रिटेशन स्किल्स होना चाहिए आपके अंदर। जब कंपनीज एक्ट, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने कंपनीज एक्ट 1956 लिख करके एग्जाम पास किया। अभी फिर कंपनीज एक्ट 2013 में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि 20 साल के बाद कोई और एक्ट पढ़ा रहूंगा। और वैसे भी सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा था, आई टीच एन नंबर ऑफ अदर एक्ट्स ऑल्सो। अगर मैं क्यूमुलेट करूँ कि जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ तो 160 एक्ट्स के आसपास मैं पढ़ाता हूँ। कितना बोला मैं? 160 एक्ट्स आई टीच। तो अब वो 160 एक्ट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या सारे एक्ट्स मैंने किसी टीचर से पढ़े रहेंगे? नॉट नेसेसरी, नॉट पॉसिबल। बहुत ज्यादा होते, बट एक्सोस हार्ड है। आई एम एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड ओनली बिकॉज ऑफ माई इंटरप्रिटेशन स्किल्स। तो एक लॉ टीचर का वही काम है कि बच्चों के अंदर इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप कर। मेरी बात समझ में आ रही क्या? मेरा क्या काम है यहाँ पे? मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा तुम लोग,
जो लिखा है वही पढ़ के बता रहा हूँ, इंटरप्रेट करके बता रहा हूँ, और कोशिश करूंगा तुम्हारे अंदर क्या इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप करने, क्योंकि अगर तुम्हारे को ये आ गया इंटरप्रेट करने आ गया, यू नीड नॉट यू तुमको जरूरत ही नहीं है, यू डू नॉट नीड एनी लॉ टीचर। हो सकता है कि तुम्हारे इंटरप्रिटेशन स्किल्स इतना जबरदस्त हो कि तुम टीचर को भी मात दे दो, हाँ या ना, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। मेरे को ऐसा करने में 12 साल लगे, तो तुमको भी उतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आएगा ये कैपेसिटी। इज इट क्लियर? तो देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन टू। तो जनरली सेक्शन टू किसी भी एक्ट का कवर करता है डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन क्या चीज है सर? तो देखो तुम्हारे सिलेबस में कंपनीज एक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है ना। अब कंपनीज एक्ट ओरिजिनली कैसा दिखता है, इतना वाइड है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास एक किताब पढ़ी है कंपनीज एक्ट की, ठीक है? ये है इसका पार्ट ए और ये है इसका पार्ट बी, ठीक है? अब ये प्रोफेशनल सीरीज है, इसको इसमें इट कंटेन्स दिस बुक कंटेन्स 2500 पेजेस। हाउ मेनी पेजेस आते हैं? 2500 पेजेस। अब तुम सोच के देखना 2500 पेजेस है तो कितने लाइंस होंगे? मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इमेजिन करो कितने लाइंस होंगे और उन लाइंस में कितने वर्ड्स होंगे। क्या बोला मैं? 2500 पेज की किताब है, कितने लाइंस होंगे और उन लाइंस में कितने वर्ड्स होंगे, हाँ या ना? अब उन वर्ड्स का क्या मीनिंग होगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो लॉ की किताब इंग्लिश में लिखी है, आज से पहले इंग्लिश पढ़ के आए हो? हाँ, या तो इंग्लिश में होगा किताब या हिंदी में होगा, आप पहले से इंग्लिश हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हो है ना, राइट फ्रॉम योर प्री स्कूल, यस और नो? यस और नो? लेकिन वहां पे जो तुमने वर्ड्स के मीनिंग सीखे और यहाँ पे जो वर्ड्स के मीनिंग सीखोगे स्पेशली एट द टाइम ऑफ रीडिंग लॉ, दैट मे डिफर। फॉर एग्जाम्पल सुनना, ये क्लास वाला हटा दो सर, फाउंडेशन का क्लास हटा दो, 11th 12th हटा दो। मान लो कि हम लोग 10th के स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट से जाकर के पूछो, 9th के स्टूडेंट से जाकर के पूछो कि बेटा कंपनी क्या होता है, व्हाट विल बी द आंसर इन जनरल, व्हाट विल बी द आंसर, बेटा कंपनी क्या होता है बताइए, बोलो। इन जनरल अगर मैं तुमसे पूछूं कि कंपनी जो शब्द है इसे क्या समझ में आता है, नहीं अभी तुम सॉर्ट ऑफ बिजनेस इसलिए बोल रही हो बिकॉज तुमने 11th कॉमर्स से पढ़ा है, समझ रही क्या? कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, तुम इसलिए बोल रही है क्योंकि तुमने कॉमर्स पढ़ा है। मान लो कि तुम कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, इस दुनिया में सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट तो नहीं है ना, है ना? तो हटा दो ये कॉमर्स साइंस का लफड़ा, हटा दो, मुझे बताओ इन जनरल कंपनी वर्ड का मतलब क्या होता है? कंपनी वर्ड का मतलब होता है किसी का साथ होना। आप इंग्लिश डिक्शनरी रेफर करो, मैंने बोला कि यार कल मैं मूवी जा रहा हूँ, तेरी कंपनी मिलेगी, मतलब तेरा साथ मिलेगा, विल यू ज्वाइन मी? यस और नो? इन जनरल तो यही मीनिंग है, हाँ या ना? लेकिन जब आप लॉ पढ़ रहे हो वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो सकते हैं, जब आप लॉ पढ़ रहे हो वर्ड्स में चेंज इट्स मीनिंग। अब ध्यान दो सेक्शन टू किसी भी एक्ट का, सेक्शन टू क्या कवर करता है? डेफिनेशन कवर करता है। डेफिनेशन में क्या मतलब तुम समझो, मैंने बोला कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स 95 डेफिनेशंस, मतलब इस एक्ट में 95 वर्ड्स को अलग से डिफाइन किया गया है सेक्शन दो में। इस एक्ट में 95 वर्ड्स को डिफाइन किया गया है और पूरा एक्ट पढ़ते समय जब उन 95 वर्ड्स में से कोई वर्ड आया तो उसका जो मीनिंग है वो तुमको जनरल मीनिंग छोड़ करके वही मीनिंग लेना पड़ेगा जो इस एक्ट के डेफिनेशन में दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने इन जनरल वर्ड सुना होगा डायरेक्टर, डायरेक्टर वर्ड सुने हो? हाँ, तो डायरेक्टर वर्ड से क्या समझ में आता है? इन जनरल जनरली अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई डायरेक्टर वर्ड का मतलब क्या, तो क्या रहेगा आंसर? मूवी का डायरेक्टर। वेरी गुड, एट दिस लेवल आप लोग यही बोल सकते हैं मूवी का डायरेक्टर,
या किसी को थोड़ा सा नॉलेज है तो भाई डायरेक्टर इज अ पर्सन हु मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास कंट्रोल है, जिसके पास पावर है। लेकिन जब ये एक्ट पढ़ोगे ना, डायरेक्टर्स का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, वो डेफिनेशन जो मीनिंग दे रहा है ना, वही मीनिंग आपको डेराइव करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस एक्ट में कितने वर्ड्स को डिफाइन किया है? 95 वर्ड्स को डिफाइन किया है। पूरे एक्ट पढ़ते समय अगर वो 95 वर्ड्स में से कोई वर्ड आता है, तो उसका इन जनरल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला मीनिंग नहीं लेना है। कौन सा मीनिंग लेना है? जो उस एक्ट में दिया। इज इट क्लियर? मान लो कि कंपनीज एक्ट में पढ़ रहा हूँ, तो बहुत श्योर डेफिनेट सी बात है कि कंपनीज एक्ट में कंपनी को डिफाइन किया होगा। कंपनीज एक्ट अगर है तो कंपनी वर्ड को जरूर डिफाइन किया होगा। अब कंपनी वर्ड को जो डिफाइन किया हुआ है ना, वही मीनिंग मेरे को लेकर के चलना है पूरा एक्ट पढ़ते समय। कोई और मीनिंग लिया तो माई इंटरप्रिटेशन विल गो रॉन्ग। मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, कभी कोर्ट वगैरह गए हो क्या, आसपास से गुजरे हो, सुना हो? जज होता है कोर्ट में, सुना है? वकील होता है, जज होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जज का क्या काम है वहां पे? एक कोर्ट में जज का क्या काम है? जज जो वहां बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन करने के लिए बैठा हुआ है। समझ रहे? जज का काम क्या है? टू इंटरप्रेट द लॉ एंड गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ। जज जितने भी ऑर्डर्स देता है ना, जितने भी जजमेंट्स देता है, वो किसके बेसिस पे देगा? लॉ के प्रोविजंस के बेसिस पे। तो जज वहां पे क्या करने के लिए बैठा है? इंटरप्रिटेशन करने के लिए बैठा है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशन स्किल्स एट द एंड एज फार एज लॉ इज कंसर्न। इज इट क्लियर? कोई बहुत अच्छा टीचर है, कोई एवरेज टीचर है, कोई ठीक ठाक पढ़ा लेता है, कोई टीचर बहुत अच्छा है ना, तो उसके इंटरप्रिटेशन स्किल्स की वजह से बहुत अच्छा है। लॉ के टीचर की बात कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन स्किल्स के कुछ बेसिक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ। सेक्शन टू में क्या दिया हुआ है डेफिनेशन? इस वर्ड, इस एक्ट में कितने डेफिनेशन? तो इस एक्ट में सर दिया हुआ है 95 डेफिनेशन दिया हुआ है। 95 डेफिनेशन का मतलब है कि 95 वर्ड्स को डिफाइन किया हुआ है। पूरा एक्ट पढ़ते समय अगर वो 95 वर्ड्स में से कोई वर्ड आया ना, तो मीनिंग कहाँ से लेना है? सेक्शन टू में जो मीनिंग दिया हुआ है वही मीनिंग लेना है। सेक्शन टू में जो मीनिंग दिया हुआ है सेम मीनिंग लेना है। इज इट क्लियर? ऑनलाइन वाले, क्या यहां तक बताई गई चीजें क्लियर है? सुदर्शन इज देयर एंड रोशन इज देयर? क्या यहां तक मैंने जो भी बताया क्लियर है? जल्दी से फटाफट से हाँ बोलो। तो ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब जैसा कि मैंने तुमको एक चीज समझाया अभी कि डेफिनेशन दिया हुआ है किसका, वर्ड्स का, वर्ड्स को डिफाइन किया है, तो इस एक्ट में कंपनी वर्ड को भी डिफाइन किया हुआ है कि कंपनी का मतलब क्या होता है ना? कंपनी वर्ड को डिफाइन किया, तो जब कंपनी वर्ड को डिफाइन किया तो वही मीनिंग लेके चलना पड़ेगा। फेसबुक कंपनी है क्या? मुझे बताओ, क्या फेसबुक कंपनी है? हाँ? क्या अमेज़न कंपनी है? फेसबुक कंपनी है? एप्पल कंपनी है क्या? यही समझ में आता है ना? अब देखो, अभी जो मैं तुमको नहीं करने के लिए बोल रहा था ना, तुमने वही किया। तुमने निकाल लिया इन जनरल इंटरप्रिटेशन। मैं भी तुमको यही तो समझा रहा हूं, यही तो नहीं करना है तुमको। पहले पता होना चाहिए कि कंपनी का मतलब क्या है एज पर दिस एक्ट, देन ओनली यू कैन कंक्लूड दैट वेदर फेसबुक इज अ कंपनी और नॉट। तो देखो क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, एक बार लिखोगे मेरे साथ सारे बच्चे? कोई बेवकूफ होगा जो नहीं लिखेगा? देखिए, लिखिए, एज पर सेक्शन टू क्लॉज 20, सेक्शन टू क्लॉज 20,
ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड। अंडर दिस एक्ट इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। तो ये डेफिनेशन दिया हुआ है, पहले इस डेफिनेशन को समझो और फिर एनालाइज करना है कि फेसबुक कंपनी है, एप्पल कंपनी है, टेस्ला कंपनी है या नहीं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखिए तो इस डेफिनेशन में क्या बोला, कंपनी मीन्स, मीन्स का मतलब समझते हो? देखो डेफिनेशन जो है ना किस में दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में, टू में। नॉर्मली 95% एक्ट की मैं बात करूं तो उसके जो डेफिनेशन है, एक्ट के डेफिनेशन सेक्शन टू में दिया रहता है। डेफिनेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, डेफिनेशन दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे तो समझना, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एक लड़का है, इसका नाम है लल्लू, और इसको एक लड़की से प्यार है। लड़की का नाम है गोली, ठीक है? तो लल्लू के हिसाब से प्यार का मतलब क्या, बोलिए। गोली, ठीक है? तो एज पर लल्लू, लव मीन्स गोली, ठीक है? लल्लू के हिसाब से लव मीन्स, बोलो ना, गोली। अब लल्लू का एक और फ्रेंड है, इसका नाम है कोबरा, ठीक है? अब कोबरा को प्यार है, ये एक लड़की है, मॉस्क्यूटो, एक और लड़की है कॉकरोच, और एक और लड़की है एंट, ठीक है? और एक और लड़की है लेट्स से पोटैटो। अब देखो लल्लू के हिसाब से प्यार का मतलब गोली, एंड कोबरा के हिसाब से प्यार का मतलब मॉस्क्यूटो भी है, कॉकरोच भी है, एंट भी है और पोटैटो भी है। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन भी ऐसे हो सकता है। इस डेफिनेशन को बोलते हैं एग्जॉस्टिव। बोला मतलब जो बोला सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ और नहीं। प्यार मतलब गोली, एग्जॉस्टिव। इसके अलावा सब इसकी बहने हैं। और कोबरा के लिए प्यार का मतलब है इंक्लूसिव, लव इंक्लूड्स मॉस्क्यूटो ऑल्सो, कॉकरोच ऑल्सो, एंट ऑल्सो, पोटैटो ऑल्सो। तो डेफिनेशन दो टाइप का, एग्जॉस्टिव इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इंक्लूसिव। इज इट क्लियर? अब यहां पे बताओ डेफिनेशन क्या है, इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमेशा मीन्स से स्टार्ट होगा और इंक्लूसिव डेफिनेशन हमेशा इंक्लूड से स्टार्ट होगा, ठीक है सर? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन विल ऑलवेज स्टार्ट विथ मीन्स, जो बोला सिर्फ वही, उसके अलावा कुछ और नहीं।
इंक्लूसिव, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब समझना डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मतलब ऐसा कंपनी विच इज जो इनकॉर्पोरेट हुई है एंड रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट। कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट। बोला जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है वो तो कंपनी है ही, कोई प्रीवियस कंपनीज एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो उसको भी कंपनी माना जाएगा। प्रीवियस एक्ट में कौन कौन से एक्ट का रेफरेंस दे सकते हो? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1883। यहां तक याद रखोगे तो चलेगा। मेरी बात सुन रहे हैं? तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रिलायंस। आप अगर चेक करोगे गूगल पे तो रिलायंस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, क्या रिलायंस को कंपनी मानने से मना कर देंगे? आंसर इज नो। टाटा कंपनी, ठीक है, सालों पुरानी, तो वो रजिस्टर्ड हुई रहेगी इस एक्ट में या 1883 वाले एक्ट में। ठीक है, तो स्टिल इट इज अ कंपनी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट, पहला इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो किया जाना चाहिए एंड रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब कंपनी ड्यूली रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। प्रीवियस कंपनीज एक्ट मतलब या तो कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले वाले किसी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसको कंपनी मानेंगे, तो उसको कंपनी मानेंगे। अब मुझे बताओ इस डेफिनेशन में क्या एप्पल कंपनी को मैं कंपनी मान सकता हूँ? इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या मैं एप्पल को कंपनी मान सकता हूँ? मुझे एक बात बताओ, क्या एप्पल कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है? क्या एप्पल कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है? क्या इंडियन कंपनी है? अरे नहीं है सर। तो एप्पल कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेटेड होगी? फॉरेन में, एज पर फॉरेन लॉज। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से एप्पल इज नॉट अ कंपनी। इस डेफिनेशन के हिसाब से फेसबुक इज नॉट अ कंपनी। इस डेफिनेशन के हिसाब से अमेजोन इज नॉट अ कंपनी। तो सर ऐसा बोल लो ना, इस डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी जो फॉरेन कंपनी है वो क्या नहीं है? कंपनी ही नहीं है। समझ में आया तुमको इंपॉर्टेंस? ये एक्ट जो तुम पढ़ रहे कंपनीज एक्ट 2013 किसके ऊपर एप्लीकेबल करोगे? कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो गए करोगे, लेकिन एप्लीकेबल करने के लिए तुम्हें पता तो होना चाहिए एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कंपनी, यस और नो? एंड कंपनी मींस व्हाट एज डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनीज एक्ट 2013, एज डिफाइन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इज इट क्लियर सबको? बोलिए, बोल लड़की, क्लियर है? तो फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है, तो इस डेफिनेशन टेस्ला क्या इस डेफिनेशन में आएगा? अरे नहीं आएगा था, Alibaba.com इसमें आएगा, Alibaba.com चाइनीज कंपनी है ना मेरे भाई, है ना? इस डेफिनेशन में नहीं आएगा कोई भी फॉरेन कंपनी, इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। प्लस एक और चीज समझ में आता है इस डेफिनेशन से, देर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक अनरजिस्टर्ड कंपनी। कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अनरजिस्टर्ड फर्म हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो सकता है, लेकिन कभी भी अनरजिस्टर्ड कंपनी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? समझ में आया तुमको सेक्शन 2 का इंपॉर्टेंस? तो जब भी मैं ये कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए बैठूंगा, कोई वर्ड आया सबसे पहले उसका मीनिंग देखूंगा, कहाँ पे? सेक्शन 2 में। अगर वो वर्ड डिफाइंड है तो सेक्शन 2 में जो मीनिंग दिया हुआ है मुझे, आई हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर मीनिंग, आई हैव टू एक्सट्रैक्ट दैट पर्टिकुलर मीनिंग
विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2. इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक कॉपी करिए. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू डू द सेम. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, जिंदगी बदल जाएगी आज तुम्हारी. कॉपी करो फटाफट से, कॉपी दिस. बताइए, क्लियर है? डन. अब देखो, तो सर आपने बोला कि कोई वर्ड आया, उसका मीनिंग सबसे पहले कहाँ ढूंढने जाऊं मैं? सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 ऑफ सेम एक्ट, है ना? अब मान लो कि सर यार आपने अभी बताया था 2500 पेज की किताब है, 2500 पेज की किताब में सिर्फ 95 वर्ड्स ही, वैसा तो नहीं होगा? अगर दूसरे वर्ड्स आए या ऐसे वर्ड्स आए जो सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं है, उसका मीनिंग कहाँ से ले सर? अगर कोई दूसरे वर्ड्स आए जिसका मीनिंग सेक्शन 2 में गिवन नहीं है, उसका मीनिंग कहाँ से ले सर? तो देखना, वहां बोला गया उसका मीनिंग तुम लोगे सेक्शन 2 ऑफ अदर एक्ट, दूसरे एक्ट के सेक्शन 2 में. देखो नहीं भाई, भी ऑलमोस्ट 1400 एक्ट्स आर देयर. कितने? 1400 एक्ट दूसरे एक्ट के सेक्शन 2 में मीनिंग लो. दूसरे एक्ट के सेक्शन 2 में अगर मीनिंग नहीं है, तो एक एक्ट है जनरल क्लॉजेस एक्ट, बोला जो कहीं नहीं मिलेगा ना वो यहां मिल जाएगा. पहले खुद में देखेंगे, है ना? फिर पड़ोस वाले एक्ट में देखेंगे, पड़ोस वाले एक्ट में भी नहीं है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट में देखेंगे. और अगर जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी नहीं है सर, तो फिर डिक्शनरी मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग. और यहाँ पे कौन सा डिक्शनरी प्रेफर करना है? ऑक्सफोर्ड. तो बिल्कुल अगर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन करना है तो ढूंढना ही पड़ेगा तुझे. लॉ सीखना इतना आसान थोड़ी ना. बात समझ पाइए? यू हैव टू फॉलो दिस रूल. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट, कोई मैं कंपनीज एक्ट पढ़ रहा हूँ, कंपनीज एक्ट पढ़ते समय एक वर्ड आया पार्टनरशिप. कंपनीज एक्ट पढ़ते समय क्या वर्ड आया? पार्टनरशिप. अब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? तो गिवन है पार्टनरशिप एक्ट में. कंपनीज एक्ट में पढ़ रहा हूँ, कंपनीज एक्ट पढ़ते समय एक वर्ड आया सेल. अब सेल का क्या मतलब है? तो गिवन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में. गुड्स का क्या मतलब है? कंपनीज एक्ट पढ़ते समय वर्ड आया गुड्स. गुड्स का क्या मतलब है? तो गिवन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में. बात समझ में आ रही है? कंपनीज एक्ट पढ़ते समय एक वर्ड आया इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी वर्ड कहां पे डिफाइंड है? तो गिवन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. इंटरप्रिटेशन इज नॉट दैट मच इजी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
फाउंडेशन करते हो, इंटर करोगे, फाइनल करोगे, यू विल अक्वायर सम क्वालिटीज विच विल मेक यू गुड एट इंटरप्रिटेशन। अभी प्रॉब्लम ये है कि भाई अपने सीए करिकुलम में जो लॉ वाला सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंस कम कर दिया गया है ना। पहले फाइनल में भी रेगुलर सब्जेक्ट हुआ करता था, अभी रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है फाइनल में। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इंडिया के अगर आप टॉप एडवोकेट्स देखते हैं ना, अच्छे टाइम में टॉप 10, 20, 50, 100, तो 50% उसमें सीए होंगे। होगा क्लास जब खत्म हो जाए ना तो एक नाम सर्च करना, हरीश सालवे, ठीक है, हरीश सालवे, ही इज वन ऑफ द टॉप एडवोकेट। इंडिया में बैठ, अभी इंडिया में बैठते नहीं, लंदन में बैठते हैं अभी वो। बेसिकली ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस समझ में आ रही है, सीए कोर्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है तुमको? सीए जो है एक ऑलराउंडर है, यू कैन डू एनीथिंग वंस यू बिकम अ सीए। इज इट क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर है? लिख लोगे ऐसा डायग्राम बना लो, पहले सेक्शन 2 ऑफ सेम एक्ट, अदर एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, फिर डिक्शनरी मीनिंग। हो गया? यस प्लीज रिपीट। सुदर्शन, रोशन, दिव्यांश, चलो आगे बढ़ते। ठीक, अब तुमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जब भी कोई एक्ट पढ़ोगे ना, तो सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन है ना। सेक्शन 2 के बाद अगर ब्रैकेट आए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया था सेक्शन 2, मैंने क्या बोला, सेक्शन 2 के बाद ब्रैकेट आए, क्या बोला मैं, क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 20। सेक्शन 2 के बाद ब्रैकेट आए तो उसको क्लॉज बोलेंगे, और दूसरे सेक्शन नंबर के बाद ब्रैकेट आए, मान लो कि तुम पढ़ रहे हो सेक्शन 149, ब्रैकेट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, अगर दूसरे सेक्शन नंबर्स के साथ ब्रैकेट आए तो उसको अपन बोलेंगे सब सेक्शन। ऐसा पहले लिख लो, देन आई एक्सप्लेन। मैं पेन चेंज करके आता हूँ, इट विल टेक अ मिनट। जब तक आप ये लिखिए कि सेक्शन 2 के बाद ब्रैकेट आए तो उसको क्लॉज पढ़ेंगे, एंड दूसरे सेक्शन नंबर्स के साथ ब्रैकेट आए तो उसको सब सेक्शन पढ़ेंगे।
देन तो देखिए, सेक्शन टू के बाद ब्रैकेट आया तो क्लॉज। अब इसको क्लॉज, और मान लो कि ये है 149(6), इसको क्या बोला मैं, सबसेक्शन। तुम समझना ऐसा क्यों होता है। देखो सेक्शन टू में क्या दिया हुआ है तुमको, डेफिनेशन। जो डेफिनेशंस होते हैं ना वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। बोलो, डेफिनेशंस जो है वो अपने आप में कंप्लीट है। डेफिनेशंस में जो चीजें दी गई है उसका मीनिंग निकालने के लिए मुझे किसी और चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। अब क्लास में दो तरीके के बच्चे होते हैं, अगर पुष्पा जाएगी तो ही गुल्लू क्लास में जाएगा, समझ रहे। और तीसरा, दूसरा टाइप का जो स्टूडेंट है भाई, सोनू, भले क्लास में कोई नहीं जाएगा सोनू तो जाएगा। तो पहले वाले केस में जो गुल्लू है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पुष्पा के ऊपर। तो बस ये गुल्लू पुष्पा वाली कहानी है यहाँ पे। अगर मुझे सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 समझना है, इसके प्रोविजंस को ठीक से समझना है, तो मुझे सबसेक्शन 7 भी रेफर करना पड़ सकता है, 8 भी रेफर करना पड़ सकता है, 9 भी रेफर करना पड़ सकता है, 10 भी रेफर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब पूरा मीनिंग क्लियर करने के लिए या कन्वे करने के लिए सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो लिख लोगे यहाँ पे, यहाँ पे गुल्लू डिपेंडेंट है, समझने के लिए इस पे, पुष्पा पर। गुल्लू डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पुष्पा पर। और यहाँ पे बोलो ना क्या नाम था लड़के का, नाम क्या था, सोनू। सोनू इंडिपेंडेंट है। काफी बच्चे होते हैं क्लास के अंदर कि भले पूरी क्लास एब्सेंट हो लेकिन वो तो आता ही है। उस बच्चे को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, क्लॉज। वो बच्चा क्लॉज है, क्लॉज है ना। और ऐसा स्टूडेंट जो डिपेंडेंट है दूसरे के आने पे, वो क्या है मेरे लिए, सबसेक्शन है। इज इट क्लियर। द सेक्शन टू कवर्स डेफिनेशन ऑफ सर्टेन टर्म्स एंड दोज डेफिनेशंस आर कंप्लीट इन इटसेल्फ, दे कैन कन्वे देयर मीनिंग। हाउएवर जो सबसेक्शंस हैं वो दूसरे प्रोविजंस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंट होते हैं टू गिव इट्स क्लियर मीनिंग। दैट इज व्हाई दे आर इंटर रिलेटेड, एंड एज दे आर इंटर रिलेटेड दे विल बी कंसिडर्ड एज सबसेक्शन, दे कैन बी कंसिडर्ड एज सबसेक्शन। क्लियर है। तो चलिए, तो ये ब्रीफ आउट था, एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। जितना मेरे को बताना था उतना मैंने बताया फाउंडेशन लेवल के हिसाब से। और कल की क्लास में वी विल स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं यू विल गेट द नोट्स, ऑफलाइन वाले हैं आपको यहाँ से फिजिकल कॉपी विल बी अवेलेबल। इज इट क्लियर। अच्छा, कोई डाउट वगैरह है, कोई भी क्वेश्चन है अगर मन में तो पूछ लीजिए। कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ लो। अरे गूंगे नहीं हो, बहरे नहीं हो तो बता दो। हाँ वेरी गुड। तो ऐसे बोलना पड़ता है ना ऑनलाइन में। ऑनलाइन वाले बच्चे, किसी को कोई डाउट है, तुम बोल नहीं सकते लेकिन तुम लिख तो सकते हो। हम क्यों लिखे। चलिए, तो वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन, विल मीट टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।